ब्रह्मा कुमारीज की सारी गतिविधियों को हम समझ सके, जान सके। और आज यातायात एवं परिवहन प्रभाग के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। गति, सुरक्षा और आध्यात्मिकता, ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता, स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, इस थीम को लेकर वर्ष 2000 से इस प्रभाग ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। और आज सारे विश्व में रोडवेज, रेलवेज एवं टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाने हेतु इस प्रभाग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज इसके 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारकर आप सभी की उपस्थिति ने इस चमन को महका दिया है। तो आप सभी के स्वागत में मैं कहना चाहूंगी कि कहीं बहती है मस्त पवन, कि कहीं बहती है मस्त पवन तो कहीं बहती नदी की धार। आज अवसर है बड़ा सुहाना, ये मिलेगा ना बार बार। कि कहीं बहती है मस्त पवन तो कहीं बहती है नदी की धार। आज अवसर है बड़ा सुहाना, ये मिलेगा ना बार बार। अहो भाग्य हमारे जो किया निमंत्रण स्वीकार, अहो भाग्य हमारे जो किया निमंत्रण स्वीकार। दिल से करते हैं इस पावन धरा पे आप सभी का स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। तो आज इस उद्घाटन सत्र के सम्माननीय अतिथियों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वह आए और इस व्यासपीठ पर पधारकर शोभा बढ़ाए। मैं नाम अनाउंस करती हूँ उन अतिथियों के, वे मंच पर पधारेंगे। भ्राता सतीश महाना जी, हम करतुल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करते रहेंगे, साथ ही उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ उपस्थित है, उन्हें भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय बहन अनीता महाना जी मंच पर आएंगी, परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, हम सब करतल ध्वनि का साथ देते रहेंगे हमारे अतिथियों के स्वागत में। भ्राता राकेश पुरोहित जी मंच पर आए, आदरणीय दिव्या बहन जी मुंबई बोरीवली से, भ्राता सुरेश शर्मा, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ, भ्राता ईवी गिरीश, ब्रदर अशोक मोनानी, सभी इस मंच पर उपस्थित होकर इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ाएं। तो चलिए जीवन के हाईवे पर संकल्पों की गाड़ियां दौड़ रही हैं, जरा उन्हें कुछ मुकाम दें और शुरुआत उन संकल्पों से करें जहां प्रभु की उपस्थिति का एहसास हो, अंतःकरण में शांति का वास हो। कुछ पल के लिए अपने को विराम दें, अपने संकल्पों को थाम दें और महसूस करें उस परमात्म शक्ति को, परमात्म प्यार को। तो चलिए 3 मिनट परमपिता परमात्मा शिव की दिव्य स्मृति में बैठते हैं। ईश्वर से जा प्रीत
जगाए बन जाए वो गुणवान ईश्वर से जा प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान उच्च विचार शुभ कर्मों से उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान जग में बनता सबसे महान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान सबको वो सुख देता है शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान सुंदर रचता अपना जहान ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान हमारे मंचासीन मेहमानों का गुलदस्ते से स्वागत करने के लिए मैं बहनों से अनुरोध करती हूं कि गुलदस्ते और बैज के द्वारा हमारे मंच पर पधारे विराजित मेहमानों का स्वागत करें और हम सब अपनी करतल ध्वनि का साथ देते रहें और उनका उत्साह बढ़ाते रहें। कहते हैं गुलशन की रौनक बहारों से है, गुलशन की रौनक बहारों से है कि आसमां की रौनक सितारों से है, नजारों से रौनक है इस वसुंधरा की कि नजारों से रौनक है इस वसुंधरा की कि आज इस मंच की रौनक इन मेहमानों से है, इन मेहमानों से है, इन मेहमानों से है। बहने गुलदस्ते व बहस से हमारे महानुभावों का स्वागत कर रही हैं। कितनी सुंदर ये सभा, कितना सुंदर ये परिसर और कितना सुंदर ये सजा हुआ मंच। वेलकम, सुस्वागतम। ये शब्द है पवित्र भावनाओं से पुष्पित। वेलकम, सुस्वागतम। ये शब्द है पवित्र भावनाओं से पुष्पित।
ये शब्द हैं पवित्र भावनाओं से पुष्पित एवं पल्लवित। ऐसे समय पर अगर कुछ कदम अपने स्वागत नृत्य को लेकर आए और अपनी शुद्ध भावनाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करें, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं मुंबई से पधारी हुई कुमारी वैष्णवी, जो एक स्वागत नृत्य की प्रस्तुति हम सभी के समक्ष रखेंगी। कुमारी वैष्णवी, और वो कहती है, लंबा सफर तय करके आई हूं पांव में घुंघरू बांधकर, कि लंबा सफर तय करके आई हूं पांव में घुंघरू बांधकर, आप भी साथ देते रहना अपनी नजरें थाम कर, अपनी नजरें थाम कर। तो हम आमंत्रित करते हैं कुमारी वैष्णवी को स्वागत नृत्य की प्रस्तुति के लिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया कुमारी वैष्णवी, कितनी सुंदर मुस्कुराहट के साथ और कितने प्यारे कदमों के साथ
सभी का स्वागत किया। फिर से हम जोरदार तालियां कुमारी वैष्णवी के लिए। ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग, जिसका मैंने बताया कि आज 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, इस प्रभाग के द्वारा सारे विश्व में किस तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इस प्रभाग की सेवाओं से अवगत कराने के लिए मैं निवेदन करती हूं भ्राता सुरेश शर्मा जी से। आप ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इस प्रभाग की सेवाओं में आपका बहुत योगदान रहा है, सहयोग रहा है। देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर आपने अनेक अनेक सम्मेलन, कैंपेन आदि किए हैं। आप इस ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में काफी वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उनके द्वारा हम सुनेंगे भी कि किस तरह से इस प्रभाग की सेवाएं चल रही हैं, और साथ साथ उसके पश्चात एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखेंगे इस प्रभाग की सेवाओं का। तो मैं निवेदन करती हूं भ्राता सुरेश शर्मा जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस खुशनुमा माहौल में, इस सुंदर प्रांगण में आप सब ईश्वर के रूहानी गुलाबों के बीच मुझे आप सब से मिलते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में एकत्रित हैं जहां हम सब परमात्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को महसूस करते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को समाहित करने के लिए इस विश्व में यातायात से संबंधित हर क्षेत्र में प्रगति करने के लिए किस प्रकार से हम सहयोगी बन सकते हैं, और जो भारत ही नहीं विश्व भर में यातायात का जो परिदृश्य है, जहां चारों ओर सड़क दुर्घटनाएं हैं, रेल दुर्घटनाएं हैं, आपसी खींचतान है, कलह कलेश है, ऐसे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ही ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग ने आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता सतीश महाना जी, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से पधारे हैं और एक ऐसे प्रदेश से है जहां आध्यात्म की बयार चलती है, और उनका रोल भी ऐसा है जो शांति लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं अपनी असेंबली में, क्योंकि वो यूपी विधानसभा के स्पीकर महोदय हैं, और स्पीकर का कर्तव्य आप जानते हैं कैसा होता है। तो और जैसा उनका नाम है सतीश, परमात्मा के लिए कहा जाता है सत्य ही ईश्वर है, तो उस ईश्वर में विश्वास रखने वाले भ्राता सतीश जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, और उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी आदरणीय बहन अनीता महाना जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी तालियों से उनका जोरदार स्वागत करें। और बड़ौदा, जो भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल
भ्राता राकेश राज पुरोहित जी भी हमारे बीच हैं, तो आपका भी स्वागत है। हमारी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो हमारे इस प्रभाग की चेयरपर्सन हैं और हमारे लिए मार्गदर्शक भी हैं, आप सदैव अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति के आधार पर हमें प्रेरणा देती रहती हैं। उनके साथ साथ हमारी आदरणीय दिव्या प्रभा दीदी जी, जो वाइस चेयरपर्सन के रूप में इस प्रभाग की हर गतिविधि को निरंतर उन्नति और प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहती हैं और हमें मार्गदर्शन करती रहती हैं, ऐसी आदरणीय दिव्या बहन जी का भी स्वागत है। और अशोक मौनानी जी, जो मुंबई से पधारे हैं, और जैसा हम सुन रहे थे, अभी आप वीडियो देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज विश्व में एक नव निर्माण का कार्य कर रही है, विश्व को स्वर्णिम युग बनाने के लिए, स्वर्णिम विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे ही निर्माण के कार्य में एक बिल्डर के रूप में आप मुंबई में अनेक कार्य करते हैं, आपका भी इस सभा में स्वागत अभिनंदन। और मंच संचालन हमारी करने वाली संगीता बहन, आप भी मुंबई से हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं, जैसा कि आपने लहजा देख भी लिया होगा, तो आपका भी हार्दिक स्वागत। अब विषय की बात अगर हम करें तो ब्रह्मा कुमारीज का यातायात परिवहन प्रभाग अपने स्थापना काल से, सन 2000 से, भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, सुनते रहते हैं, अभी दोपहर को जब हम आदरणीय महाना जी से चर्चा कर रहे तब मैं यही कह रहा था कि सर, इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े विश्व युद्ध के कार्य जो होते हैं उनमें भी जितने लोगों की मृत्यु नहीं होती है, उदाहरण के तौर पर अभी लगभग 1.5 वर्ष से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, जो एक प्रकार का मिनी विश्व युद्ध ही है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं और एक तरफ रशिया है, उसमें जितने ज्यादा लोग मरे हैं उससे भी ज्यादा लोग इस दौरान ही भारत में सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर मर चुके हैं। बहुत दुखद विषय है, बहुत दुख की पीड़ा की बात हम सब के लिए है, लेकिन चिंता का विषय हम सब के लिए यह भी है कि हम परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे मन में परिवर्तन आ रहा है, हमारे कार्यशैली में परिवर्तन आ रहा है, हमारे चालन परिचालन में परिवर्तन आ रहा है, कि हम सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सब मिलकर प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, यह चिंता का विषय है। और यही आज इस सम्मेलन के आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी है कि भारत सुरक्षित यातायात की दिशा में आगे बढ़े। भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग ऑन रिकॉर्ड, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के शिकार होते हैं, जबकि अनऑडिटेड कहिए या मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कहें तो यह आंकड़ा दुगने से ज्यादा होता है, यानी कि 3 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में शिकार होकर के भारतवर्ष में सिर्फ मर जाते हैं। तो आज हम सब के लिए यही एक विषय है कि कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ें कि ये परिवर्तन हो और सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकें। इसीलिए ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग 2000 से लेकर अनेक क्षेत्रों में अपने तरफ से जो भी योगदान हो सकता है, समाज के एक साथी के रूप में कहिए, सहयोगी के रूप में कहिए, ब्रह्मा कुमारीज का यातायात परिवहन प्रभाग लगातार अनेक तरह के कार्यक्रम करता है, जिसमें अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, डीजी सर बैठे हैं, आपके ग्रुप्स यहां पर आकर के हमारे यहां पर ट्रेनिंग्स के लिए आते रहे हैं, और हम भी आपके यहां कभी कभार जाते हैं जब कब आपकी तरफ से निमंत्रण मिलता है। लेकिन
सिर्फ मैं नायर की बात नहीं कर रहा, भारत में लगभग 450 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं रेलवे के, उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हम किस प्रकार से आध्यात्मिकता उन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, उस प्रयास के रूप में बहुत कुछ एक्टिविटीज करते हैं। और यही एक विशेष कारण रहा होगा कि भारतीय रेलवे के द्वारा ऑफिशियली हमारे ऐसे सेमिनार्स में शामिल होने के लिए रेल परिवार के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा 9 दिन यानी कि 4 दिन ट्रेवलिंग के और 5 दिन हमारे सेमिनार के जोड़ करके स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है और साथ साथ में स्पेशल रेलवे पास भी मिलता है। तो ऐसे रेल परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे बीच हैं। हम ये चाहेंगे कि जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग मिले। और हम रेल में भी अगर रिसेंटली हम बात करें तो जो बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के एरिया में जो घटना घटी, उसके पीछे भी जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मैनुअल लापरवाही के कारण ही वो एक्सीडेंट हुआ है। और वो क्यों होता है? क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता है, मन विचलित रहता है, कब क्या हुआ, तनाव के कारण हो, किसी भी कारण से हो, आपसी खींचतान के कारण हो, घर में मन मुटाव के कारण हो, लेकिन जो मन व्यथित रहता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए ही राजयोग मेडिटेशन हमें मदद करता है। इसी प्रकार से हम बात करें सड़क परिवहन की, तो सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें चालक का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और चालक तनावग्रस्त है, दुर्भावनाग्रस्त है, क्रोध के वशीभूत है या किसी भी प्रकार के नशे के वशीभूत है तो दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मा कुमारीज के ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करते हुए इस बात को जोड़ने की कोशिश करूंगा कि कैसे चालक के मन में परिवर्तन ला करके हम उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दिल्ली की यह घटना है, मैं हरिनगर से एम्स के लिए ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करने के लिए प्लान करके वहां खड़ा हुआ था, ऑटो रिक्शा आया और मैं वहां उसके साथ ट्रेवल कर रहा था। तो मैं अपनी आदत के मुताबिक उस रथवान से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चालक ड्राइवर जो भी है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें रथवान कहकर संबोधित करता हूं और इस आशय के साथ कि श्री कृष्ण भी, महाभारत काल की घटना याद करिए, श्री कृष्ण भी अर्जुन के क्या थे? रथवान ही थे। तो मैं उनको रथवान कहकर संबोधित करता हूं तो पहली बात तो उनके मन में वो परिवर्तन का स्तर शुरू होता है। लेकिन वो चालक, वो रथवान थोड़ा सा व्यथित ज्यादा ही लगता था, तो मैंने उसे कहा भाई मुझे फरीदाबाद बस से जाना है तो मुझे स्टैंड पर उतारिएगा जहां से बस जाती हो। तो उसने 40 फीट 30 फीट दूर मुझे उतारने की कोशिश की। मैंने बोला भाई यहां तो है नहीं लिखा हुआ, तो उतार जाओ ना, वहां सामने ही तो है। मैंने कहा नहीं भाई सामान है मेरा। तो वो वहां लेकर के गया, फिर बोला जल्दी सामान निकालो और पैसे दो। लेकिन मैं अपनी आदत के मुताबिक एक छोटा सा कार्ड अपने पास रखता हूं, उस कार्ड को मैंने उनके आगे करने को ही बोला मुझे नहीं चाहिए आप अपना सामान उतारिए। मैंने कोई बात नहीं भाई पढ़ तो लो। जैसे उसने ये कार्ड पढ़ा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। पहले उसने मेरा सामान खुद उतारा और फिर मुझे पैसे देने के बाद उसने भी धन्यवाद कहा। इस कार्ड में क्या लिखा है? बहुत अच्छे सारथी हैं आप, अच्छा लगा आपका सहकार सहयोग, सुरक्षित पहुंचाते रहना सबको, निभाकर अपना किरदार, मुस्कुराते रहना आप सदा, मुस्कुराते रहना आप सदा, मिलता रहे प्रभु का प्यार, तहे दिल से शुक्रिया आपका, स्नेह भरा धन्यवाद आभार, थैंक यू सो मच। और ये पढ़ करके उसकी चेहरे की मुस्कान खिल गई। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति को भी परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं और
ट्रांसपोर्ट विंग सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इकाई को डायरेक्टली संबोधित करता है और उसके साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री है और एलाइड सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं। भारत सरकार जैसे एजुकेशन के लिए बजट बनाती है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारीज का ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर भी जाकर के अवेयरनेस ड्राइव्स चलाता है, क्योंकि हालांकि रोड यूजर तो हम सभी हैं लेकिन वो भविष्य का रथवान भी है। आज जितना तेज गति से, जैसा कि हमारा विषय है गति सुरक्षा आध्यात्मिकता, तो जितना तेज गति से भारत प्रगति कर रहा है उतनी ही तेज गति से लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए यंग एज में भी बच्चे बाइक चलाना शुरू कर देते हैं और भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ा प्रतिशत देखा जाए तो वो भी यंगस्टर्स बाइकर्स ही हैं। तो उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें अवेयर करना हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसलिए स्कूल कॉलेजेस में भी जाकर के हम कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और उसके आधार पर परिवर्तन लाने का कार्य करने की कोशिश करते हैं। एक लेमैन की अगर हम बात करें, आम नागरिक जो चाहे किसी प्रकार से गाड़ी नहीं चलाता हो लेकिन सड़क का प्रयोग तो करता ही है, उसके परिवार में जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कार्य वो नॉन ड्राइवर्स भी कर सकते हैं, हर रोड यूजर कर सकता है। अपनी माँ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माँ बच्चे को समझा सकती है, पिता पुत्र को समझा सकता है, पुत्र पिता को समझा सकता है और परिवर्तन ला सकता है। तो इसलिए हम 10 चित्रों का एक एग्जीबिशन भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स होती है वहाँ पर, ताकि उनके अंदर भी परिवर्तन आए और सड़क सुरक्षा के प्रति वो भी जागृत होकर के सड़क नियमों का पालन करें। और आज हम ये भी चाहेंगे कि आप सब भी सड़क दुर्घटना के प्रति जागृत होने के लिए हमारे साथ प्रतिज्ञा करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरे साथ खड़े होंगे और आज हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे ताकि भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें परिवर्तन आए और हम सब इस भारत को सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत बनाने की दिशा में कार्य कर सकें। मैं कुछ शब्द आपके साथ शेयर करूंगा, बहनें मैं करूंगी, अपनाऊंगी लाइकवाइज, और भाई मैं करूंगा, ठीक है? रेडी, अपना दाएं हाथ आगे करें और ईश्वर को अपने समक्ष याद करते हुए दिल से संकल्प करें कि आप आज जो मैं बात कह रहा हूं उसे जीवन में अपनाऊंगा। मैं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आज दृढ़ संकल्प करता हूं कि मैं यातायात के लिए निर्धारित सभी नियम, जिसमें दोपहिया वाहन पर यात्रा के समय हेलमेट का पहनना, कार चलाते समय सीट बेल्ट का बांधना, कोई भी वाहन चलाते समय नशे का प्रयोग न करना और गति को नियंत्रित रखते हुए, गति सीमा का ध्यान रखते हुए ही अपना वाहन चलाऊंगा। मैं स्वयं सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन करूंगा और अपने परिजनों, मित्रों और साथियों को भी यातायात नियमों का पालन करने की प्रेरणा दूंगा, ताकि मेरा भारत सुरक्षित भारत हो, समृद्ध भारत हो। ओम शांति। इसके साथ ही आप सब जो संकल्प लेकर के जाएंगे तो उसके फल स्वरूप निश्चित तौर पर हमारा देश सुरक्षित देश होगा। लेकिन हम जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसा कि संगीता बहन ने बताया, छोटे से एक वीडियो के रूप में आपके समक्ष पेश किया जाएगा, तो मैं अनुरोध करता हूं हमारे वीडियो डिपार्टमेंट से कि उस वीडियो को चालू करें और आप उस वीडियो का आनंद लें। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना और मैं आशा करता हूं कि आप
इस वीडियो को देखते हुए मन से स्वीकार करते हुए कि मुझे भी कुछ योगदान करना है। हर सफर सुरक्षित हो, तो आप अपने क्षेत्र में भी कुछ कार्यक्रम करने के लिए प्लान करें जिसमें प्रगति हो। ओम शांति। वही गति है सही। सदा काल की दूरी के बदले कुछ पल की देरी क्या मंजूर नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव को घर घर का उत्सव बनाते हुए देश के 17 राज्यों में 100 से भी अधिक सुरक्षित भारत मोटरसाइकिल रैलीज में 6000 रोड सेफ्टी मैसेंजर्स ने 6000 किलोमीटर का कुल सफर तय करते हुए 100 से भी अधिक शहरों और नगरों में आयोजित 500 अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ देशवासियों को जागृत किया। इस कैंपेन में सारे भारत के 1000 से भी अधिक सेवा केंद्रों की सहभागिता रही, जिसकी ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी मुंबई में और भव्य समापन समारोह ORC गुरुग्राम में संपन्न हुआ। UN वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के निमित्त कार्यक्रमों के जरिए सड़क दुर्घटना पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र, तेलंगाना और UP स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा के अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे गए। सिंगरौली हाथरस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के निमित्त सेमिनार, साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में भव्य एग्जीबिशन के जरिए ट्रांसपोर्ट नियमों का दिया संदेश। ऐसे ही मानवत में ऑटो चालकों का सम्मान और खजुराहो में पथ प्रदर्शक का सम्मान करने वाले हृदय स्पर्शी कार्यक्रम हुए। साथ ही विभिन्न कंपनीज, ऑटोमोबाइल शोरूम्स एवं गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी सेफ्टी थ्रू स्पिरिचुअल लाइफ स्किल्स के प्रोग्राम्स को सराहना प्राप्त हुई। हर कदम सुरक्षा पर कुर्बान है, सड़कों पर संभालनी हर एक जान है, डिसिप्लिन हमारी सड़कों की पहचान है, सचमुच मेरा भारत महान है। रोड सेफ्टी कार्निवल के बच्चों का ये बुलंद अरमान है। आने वाले वर्ष के सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा प्रोजेक्ट के ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, औरंगाबाद, पुणे आदि स्थानों पर संपन्न हुए। एक हसीन सफर है राह ए जिंदगी में, दुआ है खुदा की रहमत पल पल मिले। यात्रियों के सफर को सफल बनाने में अपना समय देने वाले इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयज के लिए दिल्ली, बड़ौदा, मुंबई में स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, वुमन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स पर सेमिनार संपन्न हुए। दिल जब जब खुशी के पल फरमाएगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म रिट्रीट का हर्ष याद आएगा। खानवेल रिजॉर्ट में 800 बीके भाई बहनों ने अलौकिक रूहानी मौज का अनुभव किया। साथ ही मुंबई मलाड स्थित होटल रिट्रीट एवं होटल रिजॉर्ट के एम्प्लॉयर्स की सेवा हुई। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर सलेम में अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए गए। राह हिम्मत की जो चलता है, निश्चित सफलता वो पाता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है, सूरज सम वही निखरता है। ट्रांसपोर्ट विंग की सेवाओं के अगले कदम है 1. सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पदयात्राओं का आयोजन। 2. शहरों एवं नगरों के इम्पोर्टेंट जंक्शंस पर वॉल्स अथवा पोल्स पर रोड सेफ्टी मैसेजेस की पेंटिंग्स द्वारा अवेयरनेस। 3. यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित ऑब्जर्वेंसेस पर सेवा। 15 से 21 मई UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। 27 सितंबर UN वर्ल्ड टूरिज्म डे। 19 नवंबर UN वर्ल्ड डे रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। इन सभी सेवाओं में आपके सहयोग की शुभ आशा है। ओम शांति। तो हमने वीडियो के माध्यम से सेवाओं को देखा भी, और सुरेश भाई ने किस तरह से हम इन
सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, ये तभी संभव है कि हर एक सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, क्योंकि इसीलिए कहा गया कि कभी गति की अति पहुंचा देती है क्षति, कि कभी गति की अति पहुंचा देती है क्षति, कि कभी व्यसन की लत खराब कर देती है मति, कि कभी व्यसन की मत खराब कर देती है मति। जब तोड़ते हैं सड़क सुरक्षा के नियम तभी तो दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं हम, जब तोड़ते हैं सड़क सुरक्षाओं के नियम तभी तो दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं हम। तो जरूर हम उन नियमों का पालन करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे। हमारे मंच पर एक सीट जिस पर अभी भी इंतजार है और वो महानुभव पहुंच चुके हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम करतल ध्वनि से गिरीश भाई का स्वागत करते हैं। प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई, बहनों से अनुरोध करूंगी बैज और बुके से गिरीश भाई का स्वागत करें। साथ ही आप सभी के आगमन से ये सारा परिसर मुस्कुरा रहा है और यहाँ के रहवासी निवासी सभी गदगद हैं आपके स्वागत में, और इसीलिए अब एक स्वागत गीत की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष होगी। और वो स्वागत गीत के लिए हमारे बीच पहुँच रहे हैं हमारा मधुर वाणी ग्रुप। हम जोरदार तालियों से उस ग्रुप का स्वागत करते हैं। कहते हैं गीत है गाने के लिए, कि गीत है गाने के लिए, कि गीत है गुनगुनाने के लिए, गीत है गाने के लिए, कि गीत है गुनगुनाने के लिए। और ऐसे में अगर मधुरवाणी के कलाकार मंच पर आ जाएं तो ये हाथ भी तैयार है तालियां बजाने के लिए, ये हाथ भी तैयार है तालियां बजाने के लिए। तो एक बहुत सुंदर सा गीत आप सभी के स्वागत में प्रस्तुत होने जा रहा है। बेहद खुशियों का मिलता है इस थीम को लेकर के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सतीश भाई और उनके सभी साथी। ओम शांति। बेहद जरूरी और समसामयिक विषय है आज यातायात परिवहन यहाँ आया है, निश्चित ही एक सफलता की ऊंचाइयां छुएगा। फिर सजा है ज्ञान सरोवर ये सुंदर संसार, यातायात परिवहन पधारे, स्वागत बारंबार। गति सुरक्षा आध्यात्मिकता तीनों चले एक साथ, निश्चित जीवन सफर सुहाना होगा और बनेगी बात और बनेगी बात और बनेगी बात। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब मिलकर यहाँ पर उन सबका आह्वान करते हैं जिससे हमारी सुंदर ये सृष्टि बने और हमारी यात्रा, जीवन यात्रा भी सुखद और सुरक्षित बन जाए। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें अपने। आपकी तालियां आपकी खुशी का इजहार करती हैं, आप यहां उपस्थित हैं। बेहद खुशियों का मिलता है, वाह वाह, बेहद खुशियों का मिलता है। आज कहीं भी और न छोर, झूम रही है अरावली और नाच रहा है मन का मोर। यातायात परिवहन पधारे,
बाबा यातायात परिवहन पधारे स्वागत में है घटाधन गो चलो करे एक सफर चलो खुश नुमा जीवन की ओर चलो करे एक सफर चलो खुश नुमा जीवन की ओर बड़ा खुशनुमा माहौल है बड़ी खुशी का पर्व है आपकी तालियां हो जाए ला 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 हे 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 हा 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 गति के साथ सुरक्षा हो अपनी सबकी रक्षा हो गति के साथ सुरक्षा हो अपनी सबकी रक्षा हो आध्यात्मिकता से जीवन फूलों जैसा हंसता हो आओ प्रभु शरण चिंता और बाबा आओ प्रभु शरण चिंता और सब तनाव को यहीं पे छोड़ चलो करे एक सफर चलो खुश नुमा जीवन की ओर चलो करे एक सफर चलो खुश नुमा जीवन की ओर राजियों की उपलब्धि है कि जीवन खुशनुमा बनेगा ही ला 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 हे 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 हा 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 दुनिया की हालात हमें कर सकती मजबूर नहीं दुनिया की हालात हमें कर सकती मजबूर नहीं खुशनुमा जीवन वाली अपनी मंजिल दूर नहीं सुंदर रखे ख्यालों को हम बाबा सुंदर रखे ख्यालों को हम क्यों सौंपे किसे मन की डोर चलो करे एक सफर चलो खुशनुमा जीवन की ओर चलो करे एक सफर चलो खुशनुमा जीवन की ओर और हमारे सामने हमारी बीबियां बैठी हैं मातृवत पालना करती हैं उसे बड़ा स्नेह मिलता है सहकारी हो जाता है ला 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 हे 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 हा 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 हर चेहरे पर चमक रूहानी महक रही मनवादिया हर चेहरे पर चमक रूहानी महक रही मनवादिया खुशियों के भंडार लुटाती निर्मला दीदी दादिया ज्ञान सरोवर बड़ा मनोहर बाबा ज्ञान सरोवर बड़ा मनोहर दृश्य यहाँ के है चित चोर चलो करे एक सफर चलो खुशनुमा जीवन की ओर चलो
करें एक सफर, चलो खुशनुमा जीवन की ओर। यातायात परिवहन पधारे, स्वागत में है लटा घन घोर। यातायात परिवहन पधारे, स्वागत में है लटा घन घोर। चलो करें एक सफर, चलो खुशनुमा जीवन की ओर। चलो करें एक सफर, चलो खुशनुमा जीवन की ओर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सतीश भाई, नितिन भाई, गोविंद भाई, महेंद्र भाई, हम फिर से जोरदार तालियां हमारे भाइयों के लिए। बहुत सुंदर गीत के द्वारा सभी का स्वागत किया। अरे तालियों की गति में छूट है, गाड़ियों की गति में नहीं, इसलिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। कहते हैं तालाब कुएं से कई गुना बड़ा होता है, पर कुएं का पानी सब पसंद करते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और बड़ी शुद्धता होती है। ऐसे ही व्यक्ति का बड़ा होना अच्छी बात है, पर उनके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धि उन्हें महान बनाती है। यही विशेषता हम अपनी आदरणीय दिव्य प्रभा बहन के अंदर देखते हैं। आदरणीय दिव्या बहन जो मुंबई बोरीवली से पधारी हैं और ब्रह्मा कुमारीज के उत्तर मुंबई क्षेत्र के सेवा केंद्रों की आप कुशल संचालिका हैं। विगत 53 वर्षों से सतत राजयोग का अभ्यास कर अनेक शांति के प्रतीकों को शांति की राह दिखा रही हैं। आप ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। सरलता, निर्माणता, नवीनता से ओतप्रोत आपकी जीवनशाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य हेतु आपको मुंबई के लाला लाजपत राय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा एक्सीलेंस ऑफ वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज इस कॉन्फ्रेंस में अपनी शुभ प्रेरणाएं देने के लिए मैं आदरणीय दिव्या बहन से अनुरोध करती हूं और आपके लिए कहना चाहूंगी कि आप में नवीनतम विचारों का प्रवाह सदा प्रवाहित देखा है, कि आप में नवीनतम विचारों के प्रवाह सदा प्रवाहित होते देखा है, कई संकल्पनाओं को साकार करते देखा है, कई संकल्पनाओं को साकार करते देखा है, प्रभु सेवाओं को देकर नया आकार, कि प्रभु सेवाओं को देकर नया आकार कितनों की जिंदगी को बदलते देखा है, कितनों की जिंदगी को बदलते देखा है। ऐसी आदरणीय दिव्य प्रभा बहन का मैं दिल से स्वागत करती हूं और साथ आज अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखने के लिए अनुरोध करती हूं आदरणीय दिव्या बहन। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथिगण, सतीश भाई, राकेश भाई, अनीता बहन, अशोक भाई, सुरेश भाई, गिरीश भाई, हमारी प्यारी मीठी निर्मला दीदी, संगीता बहन और आज आप इस सब कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित सर्व मेरे भाई और बहनें। मेरे पूर्व वक्ता सुरेश भाई ने रेलवे एक्सीडेंट या रोडवेज के एक्सीडेंट के विषय में कई बातें कही, उनके कारण भी हम सब जानते हैं, लेकिन आज मैं वो बात कहना चाहती हूँ कि इन सब कारणों का निवारण कहाँ पर है।
कारण बहुत सारे हैं, निवारण क्या? तब बैठे हुए मैं सोच रही थी इन कारण का निवारण हमारे जीवन में जो हमारी वाणी के एक्सीडेंट होते हैं, हमारे विचारों का युद्ध, हमारे संबंधों के टकराव, यही जैसे मूल जड़ लगती है। आज एक्सीडेंट के कारण रिलेशन में जब टकराव है, दो गाड़ियां टकराती हैं तो एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है। ऐसे ही संबंधों में जब टकराव होता है तो उसका नुकसान फिजिकल हमें न दिखाई दे लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर नुकसान, हमारी मन की स्थिति में नुकसान, हम जहाँ उपस्थित हैं वहाँ के वाइब्रेशन और वातावरण को दूषित करने का कार्य हम करते हैं। तो इस एक्सीडेंट को पहले हमें बचाना, निवारण करना, हमारे आपसी संबंधों को बहुत ही प्रेम, आदर, सम्मान भाव, और इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, शुभ भावना सारे विश्व के लिए हो तो ये टकराव बंद होगा। मन के अंदर चलने वाले विचारों की गति, हम व्हीकल की गति को कहते हैं कि बहुत स्पीड तेज हो और एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हमारे मन के विचारों की गति ये कोई कम है, वो भी कितनी तेज है, और उसी से कितने मानसिक बीमारियां से हम ग्रसित हो जाते हैं। हमारे मन के विचारों का कंट्रोल हम खो बैठते हैं। व्हीकल का भी एक्सीडेंट तब होता जब स्टीयरिंग का कंट्रोल चला जाता है, और स्टीयरिंग का कंट्रोल मानव के मन पर आधारित है। मानसिक कंट्रोल गया तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसका कंट्रोल समाप्त हो जाता है, और इसीलिए ये मानसिक अवस्था है जब हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है तो हमारे हर कर्म पर उसका प्रभाव, असर हमारे देखने में चेंज आ जाता है, हमारे व्यवहार में चेंज आ जाता है, वहाँ तक हमारी शरीर को चलाने की गति में भी चेंज आ जाता है। मुझे याद आता है कि एक बार मैं दिल्ली में गई थी कुछ ट्रेनिंग के लिए, उस समय पर एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति कुछ चिंता में या तो कोई फोन पर बहुत इस प्रकार की जोश रूप वाली बातें चल रही थी। उस समय पर व्यक्ति किस पोस्ट पर है, किस पोजीशन पर है, वो कहाँ पर है, किन के बीच में है, ये विवेक नष्ट हो जाता है। वो इस तरह से फास्ट गति से इधर से उधर, इधर से उधर चक्कर काट रहा था, इतना जोर जोर से वो बोल रहा था कि उसको पता नहीं कि लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, विवेक समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति को भूल जाता है कि मैं कौन, किस सत्ता पर, किस पोस्ट पर हूँ। इसलिए इन मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव वो हमारे व्यवहार पर पड़ता है,
और उसी के कारण जो सुरेश भाई ने भी बताया कि चाहे बड़े से बड़ी व्यक्ति हो छोटी हो, लेकिन हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, लेकिन वो मेरा स्वयं का व्यवहार ऐसे सम्मान पूर्वक कब रखे, उसी के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। और उसी से ही हमारे मन को हम शांत, स्टेबल और स्थिर कर सकते हैं। और जब तक मन को शांत करने की कला नहीं आई, मन को चलाने की कला, मन की भी अपनी चाल है, व्यक्ति की चाल है, व्हीकल की चाल, हमारी मानसिक स्थिति का प्रभाव हम व्हीकल चलाते हैं उस पर भी पड़ता है। जो क्रोधित जोश में होगा वो गाड़ी कैसे चलाता है, जिनका मन शांत हो वो गाड़ी को कैसे चलाएगा, डिफरेंस। क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे उस पर उसका इफेक्ट जरूर होना ही है। हम अपने मन की चाल को भी देखें, मन को भी समझें, मन को चलाने की कला भी, उसकी भी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। आज गाड़ी कैसे चलानी है वो ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, मन को कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग सेंटर है, कोई दे रहा है ट्रेनिंग? कभी हमने अपनी मन की गति और चाल को समझा नहीं। तो आध्यात्मिकता वो है कि हम अपनी मन की गति को, चाल को समझें और उसको सुचारू रूप से हम उसको चला पाएं, तो जीवन की यात्रा के भी काफ़ी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो सकते हैं। और इसी लक्ष्य से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि जो पिछले 3 दिन में आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ कर सकेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे, तो चाहे रेलवे के, चाहे रोडवेज के, चाहे हमारी जीवन की यात्रा के एक्सीडेंट नेचुरली अपने आप में कम होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिव्या बहन। बड़ी सुंदर बात जो आपने कही कि उस गति पर तो ध्यान देना है, लेकिन उस गति पर ध्यान तब दे सकेंगे जब मन की गति पर हम ध्यान देंगे। और ज़रूर हम सभी इस बात का पालन करेंगे, ध्यान रखेंगे। और अब इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा दीप प्रज्वलन की विधि द्वारा। दीप प्रज्वलन हमारे मेहमानों के द्वारा होगा। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मंचासीन मेहमानों को कि दीप प्रज्वलन के लिए दीप के समक्ष आएंगे। 3 स्थानों पर दीप प्रज्वलन के लिए स्टैंड रखे जाएंगे। बीच में जो दीप प्रज्वलन का स्टैंड रहेगा वहाँ हमारे मंचासीन मेहमान उपस्थित रहेंगे। दोनों तरफ भी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की गई है, जहां हम और भी मेहमानों को आमंत्रित करेंगे। मंचासीन मेहमानों के सिवाय कुछ नाम और भी मैं अनाउंस करूंगी, वह भी मंच पर आएंगे और मंच के लेफ्ट साइड में वह दीप प्रज्वलन की विधि के लिए आएंगे। ब्रिजेश मिश्रा जी फ्रॉम बड़ौदा फॉर सीएल, सतीश शाह एसएम स्टील, शील आशीष ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ब्रदर शंकरवा जीफ डेपो मैनेजर, जिनका भी मैं नाम अनाउंस कर रही हूं, वो मेरे लेफ्ट साइड में आएंगे। मंचासीन मेहमानों से अनुरोध है बीच वाले
दीप प्रज्वलन के स्टैंड पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही अशोक व्यास जी मुंबई से जो पधारे हैं, वे भी मंच पर आएंगे और लेफ्ट साइड दीप प्रज्वलन के लिए खड़े रहेंगे। इसके अलावा नीलम बहन कानपुर, कमल बहन नारनूल, मोतीलाल भाई दिल्ली विकासपुरी, संजय भाई पटना, उन्हें भी मैं आमंत्रित करती हूँ, वह भी लेफ्ट साइड में स्टैंड पर रहेंगे। साथ ही हमारे मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर तीनों ही परिसर से ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हमारे भाई, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वह भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन की विधि में साथ दें। इसके अलावा जिन भी समर्पित बहनों को एवं अन्य मेहमानों को कैंडल लाइट के लिए आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण दिया गया है, मेरे राइट साइड में वे सभी आएंगे। और दीप प्रज्वलन करने के पहले हम सभी 3 मिनट प्रदीप दुबे जी प्रमुख सचिव, हम पहले 3 बार ओम शांति ध्वनि का उच्चारण करेंगे। प्रदीप दुबे जी मुख्य सचिव, वे भी मंच पर आ जाएंगे। सभी एक लाइन में थोड़ा खड़े रहें ताकि एक बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स भी आए। और साथ जो हमारे सम्मुख हमारे भाई बहने बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वे अपने स्थान पर खड़े हों और अपने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट को चालू करें ताकि महसूस हो कि इस अंधकारमय विश्व में कितनी सुंदर रोशनी आई है। क्योंकि आज रोशनी का सैलाब आया है, जोत से जोत जगाने का मंगल पैगाम लाया है। तो हम 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। आप सब मेरे साथ साथ इस शब्द का उच्चारण करें, फिर दीप प्रज्वलन की विधि की जाएगी। चलिए सब मिलकर के बोलते हैं, ओ शांति, ओ शांति, ओ शांति। अभी मैं सभी से अनुरोध करूंगी दीप प्रज्वलन की विधि करें। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। आप सभी शुभ संकल्प जिन्होंने मोबाइल टॉर्च की लाइट चालू की है उसको भी हिलाएं ताकि महसूस होगा कि हम इस विधि में साथ दे रहे हैं। और जिन्होंने टॉर्च नहीं चालू की है वो करतल ध्वनि से इस विधि में साथ देंगे। सुख ही सुख, कितना सुंदर ये दृश्य है, कितना सुंदर ये नजारा है। संकल्पों के दीप और ऐसे ही प्रज्वलित नहीं किया जा रहा है, पर ये गति पर नियंत्रण, सुरक्षा की जागृति का आधार या आध्यात्मिकता, और इस आध्यात्मिकता की जोत को हम सब मिलकर के जगा रहे हैं। ये जग तालियों का साथ दे गीत के द्वारा, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। कितना सुंदर ये नजारा है, कितना सुंदर ये दृश्य है। सुख कण कण में ऐसा लग रहा है आसमान के सितारे संकल्पों के दीप जलाए। बहुत बहुत थैंक्स सभी को। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब इस उद्घाटन दीप प्रज्वलन विधि के पश्चात आज के इस इनॉग्रल एड्रेस के लिए मैं अनुरोध करती हूं हमारे मुख्य मेहमान भ्राता सतीश महाना जी से।
स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप पधारे हैं, आप अटल युवा संस्था के अध्यक्ष भी हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और जन सेवा कर रहे हैं। एक ऐसी प्रमुख हस्ती जो अपना विशेष समय निकाल करके हमारे बीच पहुंचे हैं, हम एक बार जोरदार ताली से हमारे सतीश जी का इस मंच पर, आध्यात्मिक मंच पर स्वागत करते हैं। और इनॉग्रल एड्रेस के लिए मैं अनुरोध करती हूं भ्राता सतीश महाना जी। धन्यवाद बहन संगीता जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय ब्रह्म कुमारी बहन निर्मला दीदी जी, अभी इनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, आदरणीय बहन दिव्य प्रभा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री सुरेश जी, भाई श्री राकेश जी राजपुरोहित जो रेलवे से आए हैं, डॉक्टर अशोक जी जो मुंबई से आए हैं, प्रोफेसर रीवी गिरीश भाई, मंच पर उपस्थित मेरी पत्नी श्रीमती अनीता महाना, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाई और बहनों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस माउंट आबू के पवित्र धरती पर ब्रह्म कुमारीज के इस दिव्य और विराट स्वरूप को देखने का मुझे अवसर मिला। बाल्यकाल से ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बहनों को देखा, उनकी मधुर वाणी से प्रभावित हुआ, उनके स्नेह से अभिसिंचित हुआ, और कभी कभी जिस समय वृक्षाबंधन का और भाई दूज का कार्यक्रम तो उनका आशीर्वाद भी मिला। ऐसी बहनों को बीच में आकर और ऐसे भाइयों को बीच में आकर मैं अभिभूत हूं। मैं ब्रह्म कुमारी की अपनी बहन नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे इस बात का अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आकर आप सबके दर्शन कर सकूं। हम सब लोग ब्रह्म कुमारी के बारे में जानते हैं, पार्टीशन से पहले जिस संस्था की स्थापना हुई थी हिंदुस्तान में, कभी कभी लोग इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान में स्थापना हुई थी, मैं कहना हिंदुस्तान में हुई थी, बाद में पाकिस्तान बना, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल से कि कहां से है, उन्होंने कहा पाकिस्तान से है, क्योंकि मेरे पूर्वज भी वेस्टर्न पंजाब से आए थे और जिस समय कोई बात होती थी तो कहते कहां से, उन्हें कहा पाकिस्तान से है। तो मैंने एक दिन बोला कि हम पाकिस्तान से, मेरे पूर्वज कभी भी नहीं आए, वो वेस्टर्न पंजाब से आए थे, जिस दिन पाकिस्तान बना उन्होंने उसको छोड़ दिया और अपने हिंदुस्तान में आकर वो बसे थे। और अपने हिंदुस्तान की वो ज्योति ब्रह्म कुमारी के माध्यम से आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को प्रकाश दे रही है। उस प्रकाश के माध्यम से व्यक्ति को जीवन जीने का एक सलीका सिखा रही है। अध्यात्म और रिलीजन में, धर्म में अंतर है। काया प्राय कभी कभी जिस समय अध्यात्म की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं धार्मिक की बात, धर्म की बात कर रहे हैं, पूजा पद्धति की बात कर रहे हैं। अध्यात्म पूजा पद्धति नहीं है, अध्यात्म जीवन जीने का एक सलीका है, जीवन जीने का एक तरीका है और मनुष्य रूप में जीवन जीने का एक तरीका है। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम विवेकशील हैं, ये मैं मनुष्य के लिए कह रहा हूं, हम संवेदनशील हैं, लेकिन अगर हम दूसरे प्राणियों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे प्राणियों को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि मोर भाई मोर बन जाओ, शेर भाई शेर बन जाओ, गाय गौ माता बन जाओ। अपने दिव्य अमृतमय दूध से हम सबको अभिसिंचित करती हैं। कभी कभी मनोविनोद में कहता हूं कि गधे को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, गधे भाई गधे बन जाओ, लेकिन इंसान को बताने की जरूरत है, कम से कम इंसान तो बनो। और वो इंसान बनने का रास्ता हमारी बहनों के द्वारा जो
ज्योति दी जाती है, उससे हम सब लोगों को प्राप्त होता है। मैं जिस समय, मेरा बहुत वर्षों से मन था कि मैं यहां पर आऊं, लेकिन वो मन की कभी पूर्ति नहीं हुई। कभी कहते हैं कि जब जिस समय प्रारब्ध लिखा होता है, जिस समय जो समय लिखा होता है, उस समय व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। तो शायद पहले मेरे लिए समय नहीं लिखा था कि मैं यहां पर पहुंच सकूं, लेकिन मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं यहां पर मंडा हो जाऊं। हम टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे हमारी बहनें हैं जो हम सबको रास्ता बताती हैं, तो नहीं आ पाया मैं, लेकिन आज आया हूं तो मैं बहुत अभिभूत हूं। मेरा कल एक कार्यक्रम कानपुर में लगा हुआ, फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मेरे एक बार पहले कार्यक्रम बना मैं जाऊंगा। आज का जो सब्जेक्ट दिया, जिस समय मुझे कहा, मैंने पूछा बहन जी से, मैंने कहा मुझे बताइए कि मुझे वहां पर किस सब्जेक्ट पर बोलना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको गति, सुरक्षा और आध्यात्मिकता के ऊपर बोलना है, जो यातायात, परिवहन और पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए उनसे बात करनी है। तो मेरे ध्यान में आया, नहीं वो तो अध्यात्म की बात करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में कहां चले गए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। तो यहां पर आने के बाद जिस समय मैंने इसके बारे में जानकारी करी, केवल यही एक प्रकल्प नहीं है, इसके अलावा 20 और प्रकल्प हैं जो विभिन्न विधाओं के माध्यम से मनुष्य को रास्ता बताते हैं। यहां का जो आज टॉपिक है, हम सबको मालूम है, गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता। अभी हमारी श्रद्धा बहन बता रही थी, दिव्य प्रभा जी, कि गति एक व्यक्ति का स्वभाव है, तेज गति से चलना, मन की गति चलती है, तो मन की गति से आदमी, जितना व्यक्ति तेज चलना चाहते, व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति एक जगह ठहराव नहीं करता। अगर ठहराव करता है तो अवसाद में जाता है, और अवसाद में जाता है तो समाप्त हो जाता है। तो गति तो व्यक्ति का स्वभाव है, उसको रोक तो नहीं सकते, उसको व्यवस्थित कैसे कर सकते, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते, विषय ये, और सावधानी के साथ कैसे कर सकते। कभी कभी मैं जिस समय ट्रांसपोर्ट की बात होती है, ट्रांसपोर्ट सुरक्षा की बात होती है, तो हम सबको मालूम है आज से लगभग 20-25 साल पहले जिस समय विदेश में किसी देश में जाया करते थे, तो वहां की बड़ी सड़कें देख कर आते थे, ये 98 के पहले की मैं बात बता रहा हूं, तो सड़क देख कर आते थे, तो मेरे मित्रों ने पूछा कि क्या देख कर आए हो, तो मैंने कहा बहुत अच्छी सड़कें हैं, तो उन्होंने कहा हम उनसे कितना पीछे हैं, मैंने कहा वी आर इनडेफिनेटली बिहाइंड दोज पीपल। मैंने उनको समय सीमा नहीं बताई कि हम 50 साल पीछे हैं कि 100 साल पीछे, मैंने कहा इनडेफिनेटली। उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा वो आगे बढ़ते जाएंगे, हम उनके पीछे चलते जाएंगे, लेकिन ये भारतवासियों का स्वभाव नहीं था, जो बात मैंने कही, भारतवासियों का स्वभाव था कि हम उस गति के और तेज चल के आगे बढ़ेंगे। आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि पूरी दुनिया में ऐसे हाईवेज नहीं है जो हमारे देश में आज बनकर तैयार हो गए, जो गति हमारे पास पूरी दुनिया में कहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल ट्रैवल करना कोई खास बात नहीं है, सब लोग ट्रैवल करते हैं, और जो ट्रैवल नहीं करते, 24 घंटे हम सब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन, हम सबको मालूम है कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है। तो वो स्पीड विकास की, वो स्पीड मन की, वो स्पीड हमारी गाड़ियों की, तो इसको कंट्रोल कैसे करें, तो इस समय इसको अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, अपने आप के साथ जोड़ेंगे, तो सबसे पहला विषय हो कि हम अपने से प्यार करें, और जिस समय अपने से हम प्यार करना शुरू कर देंगे, तब हमें लगेगा कि सही क्या और गलत क्या, और जिस समय अपने से प्यार करेंगे तो फिर अपनों से प्यार करना सीखेंगे, और जब हम अपनों से प्यार करना सीखेंगे तो हमारे को सही रास्ता मिलेगा, सही गति मिलेगी। हम कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है, किस कारण से हम इस गति को चला रहे हैं, सावधानी क्या छोड़ देंगे क्या। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमने अगर गति को, कुछ लोग कहते हैं कि वो आजकल एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर सिर्फ आप ऑटो मोड के ऊपर लगा दो तो गाड़ी चलती हुई चली जाती है, को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, रोड सवेरे सवेरे खाली होती है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जिस समय रोड ज्यादा खाली होती है उस समय ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा होता है, और जिस समय हम समझ लेते हैं कि हमारे को ध्यान देने की जरूरत नहीं, तब सामने से आने वाला व्यक्ति जिसको आप व्यवस्थित है इससे कोई मतलब नहीं, जिसको आप अपनी सुरक्षा की पूरी जानकारी चाहते हैं और उसके वैसा व्यवहार कर इससे कोई मतलब नहीं,
एक व्यक्ति ने कहा मेरे को किसी से मतलब नहीं, मैंने कहा तुम्हारे को सबसे मतलब है। उसने कहा क्यों, तो मैंने कहा आप जिस गति से अपनी स्पीड पर जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट भी लगाई हुई है, आप गति सीमा के अंदर भी हैं, लेकिन फिर भी आप सावधान नहीं हैं, तो सामने से गलती करने वाला व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है और नुकसान आपका होता है, उससे सावधानी भी उतनी जरूरत है जितनी गति से। आपको सावधान रहना पड़ेगा। और कभी कभी इस बात को भी हम लोग ध्यान देते हैं कि ये सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार ये। मैं पिछले ये सवा साल डेढ़ साल से मैं विधानसभा के अध्यक्ष के नाते से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं। उसके पहले मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था और इंडस्ट्री मिनिस्टर यूपी के इंडस्ट्री मिनिस्टर के अंदर ये सारी जो एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो मेरे डिपार्टमेंट में थे उस समय, तो मैंने इस बात की मीटिंग की कि सुरक्षा की जरूरत है। तो उन्होंने कहा सर हमारे एक्सप्रेस वेज पे जो भी पड़ेगा चढ़ेगा उसको चढ़ते ही उसके फोन के ऊपर एक बीप आ जाएगी और एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने कहा उससे उसकी सुरक्षा हो जाएगी क्या? उन्होंने कहा सर हम सावधान कर रहे हैं। फिर मैंने कहा आगे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा आगे हम लोगों ने स्पीड जो स्पीडोमीटर्स हैं वो लगा रखे हैं कि कौन किस गति से चल रहा है, हम इस बात को देख लेते हैं। तो मैंने कहा और इससे आगे क्या कर सकते हैं? क्या इसके आगे ये कर सकते हैं कि इस स्थान से ऊपर लगभग 302 किलोमीटर का लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे कि 3 घंटे से जल्दी अगर वो पहुंचेगा बैरियर के ऊपर तो हम उसका चालान कर देंगे, कि इतनी जल्दी कैसे आ गया? हमने कहा और क्या कर सकते हैं? उनका दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाए तो हमने एम्बुलेंस भी खड़ी कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, हम और क्या कर सकते हैं? तूने कहा एम्बुलेंस के साथ साथ हमने पुलिस की गाड़ी भी खड़ी कर रखी है कि जो उनको देख सके। मैंने कहा यह भी बहुत अच्छी बात है, और क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे के किनारे हमने एक हॉस्पिटल भी बना दिया। तो ये सारी बातें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जिस विभाग का मिनिस्टर हूं उसमें सारी की सारी सावधानियां बरती जा रही हैं और ये ठीक दिशा के ऊपर हम सब लोग जा रहे हैं। तो मैंने भी एक दिन बहुत नक्शेबाजी मारी, अपने मित्रों के पास बैठे थे, तो मैंने कहा मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूं, अब एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा ये सारी बातें रिपीट करी जो मैंने यहां पर बताई। तो उसने कहा हाँ हमें भी ये पता है। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा हमें पता है कि स्पीडोमीटर कहां लगा, जहां लगता हम धीरे हो जाते हैं, कि अगर हमारा मन ये कहता है कि हमने उस नियम को तोड़ना ही है तो फिर एक लाइन है कि गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब हमने अपनी सुरक्षा नहीं करनी तो भगवान भी हमें नहीं बचा सकता। तो हमारे को अपनी सुरक्षा करने का स्वभाव कैसे पैदा करें, उसको कैसे डेवलप करें, उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा ना। इस बात के लिए नहीं डेवलप करना कि सड़क कैसी है, बैरियर्स लगे हुए हैं, जानवर अंदर नहीं आ सकते, साइड में सब कुछ लगा हुआ, सब बातें ठीक हैं, ये सब होती हैं होंगी, तो हम कैसे सीख करें अपने आप को ठीक करना? तो फिर मैं कहूंगा अपने आप को ठीक करने के लिए अपने से प्यार करना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूं कि अपने से प्यार करने के लिए अपनों से प्यार करना पड़ेगा, उस जिम्मेवारी का एहसास करना पड़ेगा जो हमारे साथ जुड़ी है, उस जिम्मेवारी का एहसास करना पड़ेगा जो हमारे साथ हमारे लोगों की जुड़ी है। हम अपने से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने से ज्यादा अपने आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाए तो आने वाले समय में हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ज्यादा प्यार करते हैं। ये तो स्वभाव में है हमारे, और जब ये सारी बातें हमारे स्वभाव में है तो फिर हम लापरवाह कैसे हो सकते हैं, इस बात का दायित्व बोध कराने की आवश्यकता है, इस बात को समझाने की आवश्यकता है। और जिस समय हम इस बात को समझा लेंगे तो हम एक्सीडेंट्स में कमी ला सकेंगे। मैं जिस समय अध्यात्म की बात करता हूं, जिस समय गाड़ी की बात करता हूं, तो जो गाड़ी का पेट्रोल है गलती से उस पेट्रोल की जगह वहां पर कोई खराब डीजल चला गया जिसने पूरी गाड़ी को खराब कर दिया अंदर से। अब पूरी गाड़ी को जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक साफ पेट्रोल भी काम नहीं करेगा। तो मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं
कि वो एक वो है ना कि डिटॉक्सिकेशन करते हैं जिस समय कोई व्यक्ति ज्यादा नशे में, तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क और शरीर को डिटॉक्सिकेशन, जो उसके अंतर्गत जो विकृतियां हैं जो विकार हैं उनको डिटॉक्सिकेशन करने का काम हमारे ब्रह्म कुमारी की बहनें कर रही हैं, उसमें से निकालने का काम। जब वो निकलेगा तभी तो दूसरी चीज जाएगी उसमें, वो बीच में पड़ा रहेगा तो दूसरी चीज जाएगी वो भी खराब हो जाएगी। तो पहले तो हमारे को ये विचार करना है कि कैसे हम सिस्टम को ठीक तरीके से करें, उस स्थिति के अंतर्गत लाएं कि आगे से ठीक तरीके से चलेगा। मन में बहुत किसी अपने आप को एडजस्ट करना हमने समाप्त कर दिया है, हम अपने आप को एडजस्ट करना भूल, हम बहुत कुछ सोचे विचारे बिना अपना निर्णय लेना शुरू कर देते। अभी हमारी बहन बता रही थी कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर वो बहुत गुस्से में थे, इधर उधर जा रहे थे, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं बिना विचारे। हमारा ये क्रोध हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा, हम इस बात को भूल जाते। मेरे को एक बात याद आई कि जिस समय ये सड़क की बात हो रही है, तो मैं कई वर्षों से कई दशकों से मेरे क्षेत्र की जनता कृपा पूर्वक मुझे विधानसभा में भेज देती है बार बार, 8 बार वो लोग भेज चुके हैं मुझे वहां, तो मैं कई सालों से वहां हूं। तो मेरे को कुछ लोग आए तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उन्होंने कहा हमारे पास हमारी जो सड़क नहीं है बहुत खराब है, आप इसको बनवा दीजिए। तो मैंने कहा बनवा देंगे, तो मैंने उनकी सड़क बनवा दी। तो कुछ लोग आ रहे थे इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा चलो कम से कम पहली बार कोई थैंक यू कहने आ रहा है, सड़क इतनी अच्छी बन गई है, तो जनरली काम होने के बाद कोई आता नहीं, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि हमारे भाई लोग आ रहे आए। उन्होंने कहा भाई साहब, मैंने कहा बताओ, उन्होंने कहा बहुत समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है, उन्होंने कहा आपने सड़क बनवा दी। तो भाई मैंने कहा सड़क बनवा दी, पहले गड्ढे थे तो सड़क बनवा दी, इसमें क्या समस्या है। उनका बहुत स्पीड से लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये समस्या है, उससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है ये समस्या। तो उसका समाधान क्या है, उनका स्पीड ब्रेकर बनवा दो। तो मैंने कहा स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाओ, लोगों से बोलो सावधानी से चले, संभल कर चले। तो उन्होंने कहा नहीं आप बनवा दो, बस हमने कह दिया आपको बनवा दो, आप सबका काम करते हो हमारा भी काम। मैंने कहा भाई मत बनवाओ, उन्होंने कहा नहीं बनवाइए। तो राजनीतिक व्यक्ति को ना बड़ा डर लगता है कि मेरे से नाराज हो जाएंगे, मुझे वोट नहीं देंगे काम करने के बाद भी। मैं ठीक है भाई बनवा देते हैं, स्पीड ब्रेकर मैंने बनवा दिया। तो फिर स्पीड ब्रेकर बनने के बाद कुछ दिन मुझे आते हुए दिखाई पड़े, मैंने कहा अब की बार तो थैंक यू बोलेंगे ही बोलेंगे। फिर आया, मैंने कहा भैया अब क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा भैया बड़ी परेशानी है। मैंने कहा क्या। उन्होंने कहा स्पीड ब्रेकर से उछल के बच्चे गिर जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, मतलब वो अवेयरनेस नहीं कर सकते कि भैया ठीक तरीके से चलो, इस बात के अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चला सकते कि भैया स्कूल में चाहे बच्चों के माध्यम से हो चाहे समाज में हो ग्रुप्स के माध्यम से, इसका वो उसका ध्यान नहीं है उन्होंने कि यार ये भी किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे को अवेयरनेस प्रोग्राम करने, हमारे को अभी यहां पर जानकारी दी गई कि ब्रह्म कुमारी की बहनें इसमें काम कर रही हैं, कई विद्यालयों में काम करें, वहां पर स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम, उनके बीच में सेशंस ले रही हैं, उनसे बातचीत करने का काम कर रही हैं। गुड, अच्छी बात है। मैं अभी बताया कि ये जो मोटरसाइकिल के जो इन्होंने जागरूकता का सप्ताह चलाया कि 17 स्टेट्स में चलाया और लगभग 1000 बाइकर्स थे और विभिन्न प्रकार के लगभग 1 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हुए, ऐसा भी मैंने यहां पर देखा, ये लिखा था 1 करोड़ लोग। जो 1 करोड़ लोग लाभान्वित हुए, हमें कहीं उनके साथ भी इंटरेक्ट करके बताने कि आप और लोगों को जोड़ो कि आप अपने तक सीमित ना रहो, यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। हम अपने विचार को आगे कैसे, हम बहुत विद्वान हैं, हमारी विद्वता एक जगह ठहर जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं। बहुत पुरानी और छोटी सी आम कहावत है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन हम बांट कितना रहे।
लेने की इच्छा शक्ति सबकी रहती है, लेने में खुशी का भी अभाव होता है, लेकिन द प्रेशर ऑफ टेकिंग इज लेस देन प्रेशर ऑफ गिविंग. देने का जिस समय स्वभाव हो जाएगा ना, देना है हमें. और देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे प्रेशियस चीज क्या है जो हम दे सकते हैं, वो है समय. समय से ज्यादा और प्रेशियस चीज कोई नहीं. अब यहां पर बताया ना, पूरे देश भर से यहां पर हमारे भाई बहन आए हुए, समय निकाल कर आए. टाइम नहीं है किसी के पास. उस भाग दौड़ में हम चले जा रहे हैं, उस भाग दौड़ में हमें पता नहीं है कि हमारे को कहां पहुंचना है, लेकिन समय बहुत कम है. एक व्यक्ति स्कूटर हाथ में लिए दौड़ के चला जा रहा था. क्या हो गया भैया, दौड़ते क्यों चले जा रहे हो, बैठ क्यों नहीं जाते? समय नहीं है किक मारने का कि स्टार्ट करके. तो हम दौड़ते हुए चले जा रहे हैं अपने देकर, हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको देख सकें. टाइम मैनेजमेंट जीवन में जिस समय हो जाएगा, उस समय गति भी होगी, सुरक्षा भी होगी, अध्यात्म भी होगा. ये सारी चीजें जिस समय मिलकर काम करेंगे तब ये सारी की सारी चीज. मैं इस बात को नहीं कह सकता कि व्यक्ति कोई गलती नहीं करता. गलती करना इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. हम जीवन में गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती करके उसको सुधारने के बारे में ना विचार करें. गलती करना इज फैक्ट ऑफ द लाइफ, बट गलती करना कैन नॉट बी द वे ऑफ लाइफ. जीवन का रास्ता नहीं हो सकता, तो उसको सुधार कैसे किया जाए, उसको समाप्त कैसे किया जाए, उस चीज को हम अपने आप के अंतर्गत. मैंने कहा कि कभी कभी मैं भावुक हो जाता हूं और मन के अंतर्गत जो बातें हैं उसको कहना शुरू करता हूं, तो समय की सीमा पता नहीं मेरे. मैं क्षमा चाहता हूं, निर्धारित होगी, मैं उससे ज्यादा शायद मैंने समय ले लिया, ज्यादा ले लिया. ये संकोच कह रहे हैं कि नहीं नहीं ज्यादा नहीं लिया सुरेश जी कह रहे, क्योंकि ये उसके सबसे बड़े इंचार्ज हैं, तो कह तो नहीं रहे लेकिन सोच तो जरूर रहे होंगे. मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ. उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं. मैं बालकाल से संघ का स्वयंसेवक हूं. आज उत्तर प्रदेश एक नई प्रगति की दिशा की ओर चल रहा है. फिर मैं कहता हूं अध्यात्म रिलीजन अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है दूसरे से. उत्तर प्रदेश राम कृष्ण और शिव की धरती है. उत्तर प्रदेश आज विकास की, आज जो एक्सप्रेस वे का नेटवर्क है वो देश में सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी में है. बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बहुत सारे लोग गए होंगे, जो पहले गए थे आज से 5-7 साल पहले, और जो अब जाएंगे बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ. एक याद है अविश्वसनीय अकल्पनीय, जो जाएंगे उनको इस बात का आभास होगा. अयोध्या धाम आने वाले वर्ष भर के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा पिलग्रिम स्थल बनने वाला. मथुरा में वृंदावन हो, बहुत तेजी से वहां पर विकास हो. और एक यूपी में, क्योंकि मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं, उस नाते से भी मैं 2 मिनट यहां पर अपनी बात कहना चाहूंगा अगर अनुमति होगी तो. हम डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं बहुत सारी चीजों का, जैसे मैंने यहां पर कहा ना कि हमारे को जानकारी नहीं होती लेकिन हम उसके पीछे चलते हैं. सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में जिस प्रकार की अवधारणा विगत कुछ दशकों में बनी, आज उसमें परिवर्तन दिखता है.
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आप हम लोगों ने यहाँ पर वाक्य सुना, जो अपना मार्गदर्शन दे रहे थे यहाँ पर, एक विश्वास जागृत हुआ है, एक लगता है कि अब हम प्रगति करेंगे, विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित भारतवर्ष जो अध्यात्म में आगे था, जो संस्कृति में आगे था, जो संस्कारों में आगे था, जो ज्ञान में आगे था, जो विज्ञान में आगे था, भारतवर्ष किन्हीं कारणों से हम पिछड़ते हुए चले गए। और दुर्भाग्य से आज से कुछ दशक पहले भारतवर्ष की गणना पूरे दुनिया में या तो मदारियों की होती थी या भिखारियों की होती थी। मैं क्षमा से कहना चाहता हूं, लेकिन यह कहने के मन के हम सबके मन के अंतर्गत यह पीड़ा रहती। लेकिन आज हम सब अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं जब भारत का नौजवान, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, हमारी बहनों के द्वारा, जो ये ब्रह्म कुमारीज बहनों के द्वारा जिस प्रकार का एक बदलाव समाज में करने का काम है, फिर हम उस ओर आगे बढ़े, फिर यही संदेश, ये ज्योति जो बाबा शिव की हम सब लोग महसूस करते हैं, उस ज्योति के प्रकाश से फिर एक बार दुनिया भर प्रकाश में होगी और हमारी ओर चलेगी, हमारे को इस बात का विश्वास। आज इस अवसर पर मैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो बहुत बहुत सारी बातें कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं उस विभाग का मिनिस्टर रहा हूं, मेरे को बहुत सारी बातें गति की, मैंने कहा सीमा और आवश्यकता अनुसार गति को बढ़ाना, दोनों बातें साथ, मैंने संतुलन चाहिए, और जिस समय उन संतुलन की ओर चलेंगे उस समय हम अध्यात्म की बात करेंगे, और जिस समय अध्यात्म की बात करेंगे तो उस समय हम संपूर्ण मनुष्य जीवन जीने की ओर आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति उस भाव के साथ आगे बढ़े। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए काम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर विचारधारा आपकी, और ये धारा लगातार प्रवाहित हो रही थी। बहुत बहुत थैंक्स सतीश भाई आपका, जोरदार तालियों से हमारे भ्राता जी का, बड़ा सुंदर सा और सहज स्लोगन सभी को दे गए कि अपने से प्यार और क्या सुना, अपने से प्यार और अपनों से प्यार, लगता है यही है सुरक्षा का आधार, है ना। तो इतनी से सुंदर बात में बहुत सारा पैगाम आपने दे दिया, तो हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और अब आज की इस थीम पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता ईवी गिरीश भाई को। बहुत ही डायनेमिक, इंस्पायरिंग, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, पावरफुल, हाईली क्वालिफाइड, हाईली सर्टिफाइड, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आप यूनिक ट्रेनर एंड काउंसलर हैं। आपका पैशन है एक्सलेंस एंड क्रिएटिविटी। आपने भारत के कई स्थानों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। पिछले 25 वर्षों से बीकेएस के राजयोग मेडिटेशन का आप अभ्यास कर रहे हैं, और आज की थीम पर अपने विचार हम सभी के समक्ष रखेंगे। आपको बताएं गिरीश भाई, अभी ही मंच पर उनको लेट इसीलिए हुआ कि वो ओडिशा से डायरेक्ट सफर तय करके और इस मंच पर पहुंचे थे। वहां अपनी ईश्वरी सेवाएं, जिंदाल यूनिवर्सिटी में, जिंदाल इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं देने के लिए गए थे और डायरेक्ट इस मंच पर वो पहुंचे हैं, अपना सफर तय करके यहाँ पे पहुंचे हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि जो सफर की शुरुआत खुश होकर करते हैं, कि जो सफर की शुरुआत खुश होकर करते हैं वो मंजिलों को भी पार करते हैं, कि वो मंजिलों को भी पार करते हैं। चलते रहने का हौसला जिसमें हो, चलते रहने का हौसला जिसमें हो, ऐसे मुसाफिरों का खुद रास्ते भी इंतजार करते हैं, खुद रास्ते भी इंतजार करते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता ईवी गिरीश।
ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, थोड़ा मुस्कुरा कर कहें, थोड़ा उमंग उत्साह और जोश से कहें, बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है क्या? बस आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या थोड़ा सा आदरणीय मंच, आदरणीय सभा, इससे पहले कि मैं आज के थीम पर अपने थोड़ा उमंग उत्साह और जोश से कहें, बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है क्या? बस आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या थोड़ा सा आदरणीय मंच, आदरणीय सभा, इससे पहले कि मैं आज के थीम पर अपने बहुत थोड़े से विचार आप सबके सामने रखूं, मैं आज हमारे कुंती दीदी को मैं यहाँ याद करता हूँ, जिन्होंने इस विंग को आज तक इस मुकाम में लाने के लिए बहुत बहुत अथक परिश्रम भी किया और योगदान भी दिया, और जो आज हमारे पास नहीं है, हम सब और मेरे दिल की सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। दोस्तों, क्या खूब किसी शायर ने कहा है, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में, अब ये तुझे को आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, माफ करना ये जिंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहा हूँ। अब हम किस में इतने फास्ट गति से बिजी हैं, यही समझ में नहीं आता है। और ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स है आज का जो हमारा विषय है, आप उसको एक पहलू से देखेंगे तो लगेगा कि ये तीनों शब्द मैच नहीं करता है। आज समय बहुत फास्ट गति से बढ़ रहा है, हर चीज़ फास्ट है, ग्रोथ भी फास्ट चाहिए, सफलता भी फास्ट चाहिए, घर में सामान भी डोर डिलीवरी फास्ट चाहिए, आपको 5G भी चाहिए। आप में से कितने लोगों के पास 5G है? ये देखिए, आपका 5G लेके मैं आपको 2G दे दूं तो मानेंगे? बिल्कुल नहीं। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी फास्ट। लेकिन जैसे आदरणीय सर कह रहे थे कि उसका एक बैलेंस और संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका एक जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये हो चुका है, दुख भी फास्ट, हार्ट अटैक भी फास्ट, डाइवोर्स भी फास्ट, कोविड भी फास्ट, मृत्यु भी फास्ट, गुस्सा भी फास्ट, इरिटेशन भी फास्ट, चिड़चिड़ापन भी फास्ट। आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं तो, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, गति सुरक्षा और आध्यात्मिकता के प्रेमी हैं। मैंने देखा है भारत की सभा को गलत बात पे ताली ज्यादा बजाते हैं। सो एक तरफ हम हर चीज फास्ट चाहते हैं, लेकिन फास्ट गति से उसका दुष्परिणाम भी हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा चेक करने के लिए, उसमें थोड़ा सा सेफ्टी लाने के लिए, सो बाह्य जगत में हम बहुत फास्ट हो चुके हैं, लेकिन अंतर जगत में हमारा मन भी बहुत फास्ट हो चुका है, हमारा रिएक्शन और रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट हो चुका है, हम बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। उसको एक छोटा सा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ सुरक्षा के लिए मे बी, जहाँ तक मैं अगर एक्सीडेंट्स की बात करूँ तो पूरे विश्व भर में, और विशेष मैं भारत के लिए थोड़ा गर्व से कहूँगा क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और हमारे रेलवेज के सर बैठे हुए हैं, भारत में रेलवे की सुरक्षा की अगर बात करें, अभी जो रीसेंट एक्सीडेंट को अगर हम हटा दें, सो इट हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। आपको लगता है बहुत इम्प्रूव हुआ है?
Yes. तो उस दिशा में भी बहुत सारा कार्य हो रहा है, लेकिन एक जो मिसिंग डायमेंशन है, जो मेरे हिसाब से इन दो तीन दिनों में हम सबको बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा, और वो है हमारा एक्सीडेंट का एक जो मेजर कॉज है. वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, रोड एक्सीडेंट या फिर एनी फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट्स, एक जो है और वो है हमारा जो बिहेवियर है, जो इंटेंशन है, जो हमारे अवेयरनेस है, जो हमारा रियलाइजेशन है. और अगर अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक्सीडेंट्स का एक मुख्य कारण है हमारा जो बिहेवियर टुवर्ड्स सेफ्टी है, हमारा जो इंटेंशन टुवर्ड्स खुशी, शांति, आनंद है. अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज मैं हेलमेट इसीलिए नहीं पहनता हूं क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा. आप लोग इतना घूर के मत देखिए, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों का बात कर रहा हूं जिनको बहुत बाल होते हैं, या आई मीन दे फील दैट लुकिंग गुड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इससे एक बात समझ में आती है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मैं कैसे दिख रहा हूँ को दे दिया है, लेकिन वही बच्चा अगर मान लो बिना हेलमेट पहने वो गाड़ी चला रहा है और गलती से दूसरा वाहन आकर उसको टकराता है और वो गिरता है और डिवाइडर में जाकर उसका सिर टकराता है, इज हेड ब्रेक्स लाइक अ कोकोनट, नारियल की तरह उसका सिर टूटता है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या एज अ समाज, एज एल्डर्स, हमने इस बच्चे को जीवन के प्रति मूल्य सिखाया? द वैल्यू ऑफ लाइफ, एक नैनो सेकेंड में एक मनुष्य जीवन जाता है. और अगर इन दो दिनों में हम स्टैटिस्टिक्स की भी बात करेंगे कि कितने ज़्यादा मृत्यु होते हैं, कोविड में जितना मृत्यु नहीं हुआ उतना हमारा यहाँ पर रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है. सो मे बी हम इतने हार्ड हार्टेड हो गए हैं, स्टोन हार्टेड हो गए हैं कि हमको जीवन के प्रति भी वो सेंसिटिविटी नहीं है, ना खुद के प्रति, जैसे सर कह रहे थे, अपने आप से भी प्यार नहीं है और अपनों से भी प्यार नहीं है. और ये जो एक मिसिंग डायमेंशन है बिहेवियर में, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बिना सीट बेल्ट के हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सुरक्षा के, ये एक एक संकल्प की देरी है. एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. जानकारी और ज्ञान में अंतर ही ये है. ज्ञान मतलब पावर, नॉलेज इज पावर. जानकारी शायद हम सबको है, सिगरेट पीना बुरा है लेकिन फिर भी पीता हूं, तो जानकारी प्राप्त करके क्या फायदा? मुझे पता है हेलमेट पहनना अच्छा है लेकिन नहीं पहनता हूं, फिर जब मालूम हो करके क्या फायदा? तो यहां जो हम आध्यात्मिकता आपके साथ शेयर करेंगे अगले तीन दिनों के लिए, ये मंच, भगवान हमको ज्ञान देता है. ज्ञान का अर्थ ही है, उसमें वो शक्ति भी आता है कि जो सत्य है, जो सही है, जो बेनिफिशियल है, उसको हम हर प्रकार से करेंगे. इसीलिए नहीं कि मेरा चालान कट जाएगा, इसीलिए कि आई वैल्यू लाइफ, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव सेफ्टी. और आध्यात्मिकता उस शिफ्ट को, उस पैराडाइम शिफ्ट को लाने का प्रयास है, और शायद हम इन तीन दिनों में यही करने का प्रयास करेंगे. आदरणीय सर उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, भारत के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, बाबा विश्वनाथ के बारे में बात कर रहे थे, उसके साथ मैं आपको एक एक सोच, एक संकल्प देना चाहूँगा. निराकार परमात्मा शिव, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनका भी एक संकल्प है कि ये पूरा विश्व, विशेष तौर पर भारत, स्वर्ग बने, ऐसी एक दुनिया बने जहाँ एक्सीडेंट गलती से भी नहीं होगा, जहाँ पर सब लोग बहुत सुख, शांति, आनंद और प्रेम से रहेंगे, और उसकी स्थापना की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है. तो हम गतिशील भी बने, एक सेकंड में खुशी आ जाए, एक सेकंड में मेरा मन शांत हो जाए, एक सेकंड में फास्ट मन स्टेबल हो जाए, तो मैं सुरक्षित रहूँगा सड़कों पर भी और जीवन रूपी यात्रा में भी. और इसका आधार आध्यात्मिकता है, सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान अर्थात वो शक्ति. ऑल द बेस्ट. हम अगले दो तीन दिन आप लोग के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वंडरफुल 3 days ऑफ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू. ओम शांति.
बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई. अभी तो संक्षिप्त में सुना, लेकिन आगे 3 दिनों में भी आपको सुनने का अवसर सभी को मिलेगा. और अब हमारे बीच उपस्थित हैं भ्राता राकेश राजपुरोहित जी. मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ. भ्राता राकेश राजपुरोहित जी, आप नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज वडोदरा के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं. और आपकी 33 इयर्स की जर्नी में आपने बहुत कुछ किया है. लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कुछ आपने हैंडल किया है. और बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप देते हैं. आज अपना वैल्यूबल समय निकालकर इस स्थान पर हम सभी के बीच पहुँचे हैं. आपके सुंदर विचारों को हम सुनेंगे. भ्राता राकेश राजपुरोहित जी, हम करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद बहन संगीता जी. आज की इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतीश महाना जी, आदरणीय बहन अनीता जी, आदरणीय बहन डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आदरणीय भाई सुरेश शर्मा जी, आदरणीय बहन दिव्य प्रभा जी, भाई अशोक मोहनानी जी, भाई ईवी गिरीश जी, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं इस संस्थान का आभारी हूँ और हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ मंच पर आमंत्रित किया. आज हर व्यक्ति जल्दी में है. पति को ऑफिस जाना है, जल्दी हो रही है. और आजकल पति और पत्नी अधिकतर दोनों ही काम करते हैं, तो पत्नी भी जल्दी में है. बच्चे का टिफिन बनाना है, पैक करके साथ में डालना है. और चिंता तब से शुरू हो जाती है जब घर में नया प्राणी आता है कि 3 साल का होते न होते स्कूल में एडमिशन की चिंता है कि कैसे एडमिशन होगा, इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है. इसी जल्दबाजी और भागदौड़ भरी जिंदगी में पता ही नहीं चलता कि कब तनाव बढ़ता जा रहा है. और जब व्यक्ति तनावग्रस्त है, अपने 2-व्हीलर पर है या 4-व्हीलर पर है, तो जल्दबाजी में गाड़ी चलाएगा, कहीं न कहीं आशंका है कि दुर्घटना हो जाए. या फिर हम रोज ही देखते हैं कि सड़क पर झगड़ा हो रहा है, कहीं टक्कर हो गई है, और दोनों व्यक्ति गाड़ी छोड़ के लड़ने में लगे हैं, बजाय कि कुछ चोट लगी है तो उसका उपचार किया जाए. मैं भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी साथी लोग भी यहाँ पर हैं. जैसा कि विदित है कि भारतीय रेल करीब 20,000 गाड़ियाँ प्रतिदिन चलाती हैं और 2 करोड़ से भी यात्री प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी अधिक है. करीब 12 लाख कर्मचारी हैं जो उसे फ्रंट लाइन में या बैक एंड से काम करते हैं. अब अगर व्यक्ति सड़क पर चल रहा है तो उसकी खुद की जान खतरे में हो सकती है, या जो और दूसरे यात्री हैं उनसे कुछ दुर्घटना की संभावना है. लेकिन अगर भारतीय रेल का लोको पायलट है या टेक्निकल आदमी है जो सिग्नल मेंटेन करता है या जो ट्रैक मेंटेन करता है, उसने कहीं चूक की तो फिर दुर्घटना बहुत गंभीर हो जाती है, जैसा कि हम सब जानते हैं. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तनाव को, इस जल्दबाजी को और मन की उथल पुथल को शांत किया जाए.
कैसे उन्हें ट्रेन किया जाए कि वो विपरीत परिस्थिति में भी शांत रह सकें और अपना काम शांत मन से अच्छे से कर सकें ताकि दुर्घटना शून्य हो जाए। यही भारतीय रेल का लक्ष्य भी है और इसमें ब्रह्म कुमारी संस्थाओं ने बहुत ही अच्छा योगदान ये दे रहे हैं और पिछले काफ़ी सालों से जिसे कि रेलवे मैनेजमेंट ने भी स्वीकार किया है और उसमें स्पेशल कैजुअल लीव का प्रावधान किया है ताकि इस तरह के कार्यक्रम में आ सकें और अपने मन को शांत कर सकें और काम को अच्छे से सुरक्षित रूप से सुचारू रूप से अंजाम दे सकें। तो मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी का कि आप ये कार्य जो कि जनहित का है और इसमें आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं ये सराहनीय है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जब भारतीय रेल गति पर और बढ़ाने की बात हो रही है कि अभी हम 120 से 160 पे जा रहे हैं और उसके बाद बुलेट ट्रेन पे काम हो रहा है, तो जब तक बुलेट ट्रेन आए तब तक हम शून्य दुर्घटना के आंकड़े तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और उसमें आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। एक बार पुनः मैं सभी का और विशेष रूप से आप ब्रह्म कुमारी संस्थान का हृदय से आभार देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। और एक कहते हैं जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, पर जो हर पल साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। एक ऐसी ही अलौकिक छवि दिव्य फरिश्ता जो आज इस मंच पर अपनी अलौकिक किरणें अलौकिक छवि हम सभी के बीच बिखेर रही हैं, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। पहले हम जोरदार तालियां हमारी दीदी जी के लिए। हर कार्यक्रम की सफलता के पीछे छिपी है बड़ों की दुआएं, बड़ों की आशीर्वाद, जो हर कार्य को सहज ही सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाते हैं। तो इस शुभ प्रसंग पर वर्षों की साधक तपस्विनी राजयोगिनी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेंटर के एशिया पैसिफिक रीजन की डायरेक्टर हैं। आप एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं तो साथ में एक प्रखर योगी भी हैं। पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से आपने अपने जीवन को समर्पित कर अनेक अनेक लोगों को आध्यात्म का संदेश दिया, परमात्मा से उनकी प्रीत जुड़वाई। आप ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की चेयरपर्सन भी हैं, साथ ही आप ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी हैं। और जिस परिसर में आज हम सब यहाँ बैठे हैं, ज्ञान सरोवर एकेडमी, इस ज्ञान सरोवर की भी आप डायरेक्टर हैं। तो ऐसी अद्भुत हस्ती, अलौकिक हस्ती, दिव्य फरिश्ते, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि अपनी ब्लेसिंग से सभी को अनुग्रहित करें, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आज के वक्ताएं और सभा में उपस्थित सभी भाई बहने आज दुनिया में, विशेष भारत में काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा मौत ट्रैफिक
के कारण होता है, एक्सीडेंट के कारण। और हमने देखा है विशेष माउंट आबू में सेफ्टी के लिए कोई ध्यान नहीं देते। एक मोटर बाइक पर चार चार जाते हैं, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, और कोई भी हेलमेट नहीं पहनते। कार वाले भी जहाँ तक हो सके सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। तो क्या है, सेफ्टी का ख्याल नहीं रहता। हम लास्ट मंथ बेंगलोर गए थी, वहाँ एक एक व्यक्ति ने हेलमेट पहना था। तो मैंने कहा कि ये क्या, तो कहा यहाँ 1000 दंड पड़ता है यदि हेलमेट नहीं पहना है। तो दंड से अपने को छुड़ाने के लिए कम से कम हेलमेट पहना था। स्पीड तो सबको, जैसे अब सुना, सब फास्ट 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 जाना चाहते हैं, और इतनों को साथ में बिठा कर फास्ट स्पीड से जाते हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो उस आध्यात्मिकता का अभ्यास करने से हमने देखा है कि लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल करके धीरे से जाते हैं, और माउंट आबू पर आते समय एक स्लोगन भी लिखा है, बेटर टू रीच लेट देन नेवर। तो लिखा तो है पर कोई ध्यान में नहीं देता है। जीवन पर यदि प्यार है, अपने परिवार के लिए प्यार है, तो हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और उम्मीद है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आप यदि सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हो तो रखना सीखेंगे ज़रूर। और स्पीड लिमिट में ही अपना कार या मोटर बाइक ड्राइव करेंगे, तो ये हमारी उम्मीद है। और हम समझते हैं कि आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे और अपनी और औरों की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी। बहुत ही संक्षिप्त में आपने अपने दिल की बात हम सभी के बीच रखी, और जैसे दीदी कह रहे थे कि 1000 रुपये दंड है इसलिए हेलमेट पहन रहे हैं, है ना? तभी तो कहा कि हेलमेट पहनना है ज़रूरी, नहीं समझना इसको मजबूरी। तो मजबूरी से नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना है। तो अब
कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला आभार विधि, और इस आभार विधि का भार मैं सौंपती हूँ हमारे ब्रदर अशोक मोहनानी, चेयरमैन एकता वर्ल्ड मुंबई। आप मुंबई से पधारे हैं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम के पश्चात आप सभी भाई बहनें भी यहाँ बैठे रहें, आज आप सभी को भी यहाँ से ईश्वरीय सौगात दी जाएगी, इसलिए सभी अपने स्थान पर स्थित रहेंगे। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता अशोक मोहनानी जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। हम जोरदार ताली हमारे भ्राता जी के लिए बजा। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी संस्था की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग द्वारा ज्ञान सरोवर के पावन प्रांगण में आयोजित विशेष मेडिटेशन रिट्रीट के इस उद्घाटन समारोह में मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस अलौकिक बगिया में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ऑनरेबल श्री सतीश महाना जी का यहाँ विशेष रूप से आपने सुंदर शब्दों से उद्घाटन भाषण की गरिमा का महत्व बढ़ाने हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। सतीश जी, आपने बताया कि लाइफ इज अबाउट गिविंग, हमारे भी यही बाबा का उद्देश्य है कि हमें देवता बनना है, लेवता नहीं। इस बात पे मुझे मदर टेरेसा की एक बात याद आई है, जिन्होंने कहा है कि मैन इज बॉर्न टू गिव एंड नॉट टू ग्रैब, द ग्रैबर पेज द पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ मिजरी, द गिवर रीफ द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ अनडाइल्यूटेड जॉय। द मीन्स टू गिव, हाँ दोस्तों, द मीन्स टू गिव सम हाउ इंक्रीजेस इन अ मैन हु हैज अ माइंड टू गिव। आज के विशेष अतिथि भाई राकेश राज पुरोहित जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज वडोदरा का भी हृदय से आभार है। हमारे बीच में सतीश जी के युगल अनिता बहन का भी आभार है। हमारे भ्राता ईवी गिरीश भाई ने हमें समझाया कि इस रिट्रीट का थीम स्पीड सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी के उद्देश्य से हमें अवगत कराया, उनका भी आभार है। हम इनका और भी लाभ लेंगे इन तीन दिनों में। ट्रांसपोर्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे भाई सुरेश भाई एवं स्टेज कोऑर्डिनेटर संगीता बहन का हमें दिल से आभार है। स्वागत समय में हमारे जो मधुरवाणी ग्रुप है, उन्होंने हमें बहुत ही आनंद से स्वागत किया। उनका और कुमारी वैश्वी द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वागत नृत्य की भी प्रशंसा का आभार है हम। इनके अतिरिक्त परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप में इस समारोह में एवं इस शिविर में संबंधित सभी कार्यों में सहयोग देने वाले सभी भाई बहनों का धन्यवाद। आप सब अलग अलग प्रांतों से पधारे हैं, आप सबका भी अभिनंदन है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अलौकिक ज्ञान जहाँ पर मिलता यही ज्ञान का सरोवर है, अलौकिक ज्ञान जहाँ पर मिलता यही ज्ञान का सरोवर है। आओ मिलकर इसे संभाले, आओ मिलकर इसे संभाले, बाबा की यह धरोहर है, जायदाद है, विरासत है। ओम शांति।
शुभ भाई, आपका भी हम दिल से धन्यवाद आभार करते हैं। जोरदार तालियां हमारे अशोक भाई के लिए भी। और अब मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करूंगी कि हमारे मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय दिव्या बहन से अनुरोध करती हूं मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य मेहमानों का शॉल, ईश्वरी सौगात और प्रसाद के द्वारा उनका सम्मान करें, उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें। भ्राता सतीश महाना जी, हम सभी तालियों का साथ दें, ये सुंदर अवसर है। साथ ही राकेश राज पुरोहित जी, अनीता जी का भी शॉल पहना करके दिव्या बहन सम्मान कर रहे हैं। राकेश राज पुरोहित जी का भी सम्मान किया जा रहा है। प्रदीप दुबे जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रदीप भाई, आप भी मंच पर आए और आपका भी शॉल पहना कर हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एक मिनट परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठेंगे और ये प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त होगा। लेकिन जैसे पहले कहा, आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप सभी को भी इस कार्यक्रम के पश्चात ईश्वरीय सौगात दी जाएगी और कुछ सूचनाएं आवश्यक वो भी आपको दी जाएगी। प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु